भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 100 सीसी की बाइक आपकी प्यारी स्प्लेंडर प्लस अब BS6 में आ चुकी है। और BS6 स्प्लेंडर प्लस में क्या बदलाव किए हैं हीरो कंपनी ने, अब इसकी प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं स्प्लेंडर प्लस BS6 के बारे में। दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। तो दोस्तों हीरो की HF डीलक्स BS6 में जो आपने चेंज देखे थे वही चेंज आपको स्प्लेंडर प्लस में भी मिलेंगे। अब जैसे कि इसमें आपको BS6 इंजन मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा और फ्यूल पंप लगा होने से इसमें आपको ऑन रिजर्व का सिस्टम नहीं मिलेगा, जो पेट्रोल टी है वो हटाई गई है, नए कलर आपको मिलेंगे, नए स्टीकर आपको मिलेंगे और जो इसमें मीटर था उसी मीटर में आपको I3S लाइट मिलती थी, अगर आप I3S वाली बाइक लेते थे तो उसी के साथ आपको फ्यूल इंजेक्शन की लाइट मिल जाएगी, साथ में नया साइलेंसर, नया कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर, नया हेड चेंज किया जाएगा, ब्रेक पैडल को चेंज किया गया है, दाहिनी तरफ जो ब्रेक पैडल था पैर वाला उसको चेंज कर दिया गया है, वहां पर एक रॉड सी लगाई गई है जिससे आपके पैर न जलें, तो ये सारी चीजें इसमें चेंज कर दी गई हैं दोस्तों। अगर मैं माइलेज की बात करूं इस बाइक में तो ये पहले मेरे अनुभव के हिसाब से लगभग 70 तक की माइलेज देती थी और अब BS6 होने पर फ्यूल इंजेक्शन लग जाने से लगभग आपको 80 तक की माइलेज ये बाइक दे सकती है। रही बात इसकी प्राइस की दोस्तों, तो ये लगभग आपको 70 से 75 तक के बीच में मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपको दो मॉडल मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड मॉडल मिलेगा जिसमें बिना I3S की ये बाइक आपको मिलेगी और दूसरा मॉडल आपको मिलेगा जिसमें आपको I3S सिस्टम मिलेगा। तो दोनों में जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं तो हो सकता है आपको 70,000 रुपये तक ये मिल सकती है। यहां पर मैं आपको कन्फर्म प्राइस नहीं बता रहा हूं दोस्तों, 70 से 75 इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आने के बाद मैं आपको और भी ज्यादा कंफर्म इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि अभी हमारे यहां बाइक आई नहीं है, जल्द ही आ जाएगी। और जैसे मैंने हीरो की HF डीलक्स, आई स्मार्ट इन सब की वीडियो बनाई है, प्लैटिना की बनाई है, आप देख सकते हैं BS6 की, तो वैसे ही मैं स्प्लेंडर प्लस को भी चला के और हिडन फीचर्स जो भी होंगे मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। फिलहाल अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो बदलाव हुए हैं इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चेंज आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो यही सारे बदलाव हुए हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 में। आप लोग जैसे कि इंतजार कर रहे थे कि इसमें कोई और भी बड़े बदलाव होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़े बदलाव इसमें करने की जरूरत थी, क्योंकि वैसे भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी घाटे में चल रही है और आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो अब जो बदलाव हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 में हुए हैं मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। स्प्लेंडर प्लस के इंजन की बात करें तो इसमें 97.2 सीसी का इंजन लगाया गया है दोस्तों, जिसमें आपको 8.36 एचपी की पावर मिलती है और 8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। दूसरी न्यूज मेरे पास यह है कि पल्सर 200NS फ्यूल इंजेक्शन BS6 के साथ आ चुकी है, नए स्टीकर नए कलर के साथ ये बाइक भी आ चुकी है और आप इस बाइक को खरीद सकते हैं दोस्तों, और अब जल्द ही आपके शोरूम पर आ जाएगी, हमारे यहां तो अभी आई नहीं है दोस्तों। और दोस्तों यामा की FZS 250 सीसी जो बाइक थी, जो नेकेड बाइक थी, उसका भी नया मॉडल आ रहा है BS6 में और ये भी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो मेरे पास यही तीन न्यूज थी आपके लिए, हीरो की स्प्लेंडर प्लस की और ये पल्सर 200NS फ्यूल इंजेक्शन की और FZ 250 सीसी की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मैंने आपको कम समय में ज्यादा जानकारी दी है दोस्तों, बाइक आने के बाद मैं और भी ज्यादा आपको अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।